अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज में मोहम्मद उसामा गाजी। वक्त है हेडलाइंस का। कराची में शालीमार एक्सप्रेस गखर फाटक पर खड़ी कराची एक्सप्रेस से टकरा गई, दो बोगियां उलट गईं। शालीमार ट्रेन के ड्राइवर समेत दो अफराद जान बहक, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ कराची में एहतजाज के दौरान चार पुलिस मोबाइलें, चौकी और मिनी बस नजर आतिश। हाफिज सईद का फिल्म के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है, फिरका वारियत फैलाने वाले बाज आ जाएं, इंतहा पसंदी के खिलाफ आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखूंगा। लाहौर में तहलका मचाने के बाद रोजनामा दुनिया की फैसलाबाद में भी बाजाब्ता इशात शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 6 रुपये 82 पैसे महंगा। सीएनजी की कीमत में भी 6 रुपये 26 पैसे इजाफा। हैदराबाद की सरफराज कॉलोनी में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, दो अफराद हलाक हो गए। लोरालाई में दहशतगर्दी, नामालूम अफराद की सिक्योरिटी अहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, एक अहलकार शहीद। भेड़ से दरामद की गई बीमार ऑस्ट्रेलियन भेड़ों को तलब करने का काम शुरू कर दिया गया। लाहौर में कई घंटे की बारिश से नशेबी इलाके जेरियाब, बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेश गोई, दराए जेहलम में सैलाब की वार्निंग जारी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की T20 वार्म अप मैच में आज आमने सामने होंगे। और जर्मनी में 319 मीटर लंबा मुसाफिर बहरी जहाज लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया।